यहाँ पर बप्पा के सामने दान देने वाले हैं, जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से गोकुलधाम सोसाइटी में सही भी पुरुष मंडली बैठ करके और यहाँ पर टप्पू सेना बैठ करके सारे यहाँ पर जो दान पेटी हैं उनमें से सारे पैसों को निकाल करके और सारे दान जो भी दिया गया है वो सारे को एक जगह इकट्ठा कर रहे होंगे, जिसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक दोस्तों चेक मिलने वाला है यहाँ पर भेड़े को, और भेड़े उस चेक को देख करके उसके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर छोटा अमाउंट नहीं बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा और 21 लाख रुपये बहुत ही ज़्यादा होंगे। और दोस्तों ये सारी बातें जब देखेगा तो दोस्तों यहाँ पर भेड़े के होश उड़ जाएंगे कि आखिर कौन है जिसने इतना बड़ा अमाउंट दिया है यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी के नाम, और यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी वालों के पास इसका कोई भी आता पता नहीं होने वाला है। आने वाले कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अभी ये नया चेक कौन सा रंग लेकर के आता है गोकुलधाम सोसाइटी में और कौन सी नई कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि दोस्तों अभी तक यहाँ पर बप्पा का पूजन बहुत ही अच्छे से हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर काफ़ी बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है, आप लोगों को आने वाले कहानी में देखने को मिलेगा।